हेलो फ्रेंड, सुबह के हो रहे हैं 3:32। लाइट को करते हैं ऑन। और चलकर देखते हैं बाहर का नज़ारा कैसा है। बाहर तो काफ़ी अंधेरा है, लेकिन जो ये लाइट दिख रहा है, यहाँ पर 24 घंटे काम चलते रहते हैं। इन सबको करते हैं इग्नोर और चलकर करते हैं ब्रश। ब्रश करने के बाद फेस धुलने पर आंखों में जो नींद था एक सेकंड में उड़ गया। इनको करते हैं साइड में और अपना पहला सेशन शुरू करते हैं। मैंने अपना पहला सेशन पॉलिटी का रखा है क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। जब सुबह का सेशन अच्छा जाता है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। मैं पॉलिटी में भारत का संविधान पढ़ रहा हूँ। इसमें कई टॉपिक हैं, जैसे मैं संविधान की आवश्यकता क्यों है, संविधान क्या है, इसका कार्य क्या है, समाज में इसकी भूमिका क्या है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है। मेंटल हेल्थ के साथ साथ हमको फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए हम कर रहे हैं थोड़ा सा योगा। अब मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, जो कि मैंने पहले भी ज्योग्राफी पढ़ा था, उसका नोट्स मैंने बना रखा था, तो मैं वही अब रिवाइज कर रहा हूँ। और साथ में कुछ की पॉइंट भी होते हैं, उसको मैं नोट कर रहा हूँ। जो आप टेबल देख रहे हैं, ये टेबल हमने खरीदा है, ठीक है। क्योंकि जो वाइट वाला देखे थे वो अच्छा लगा था, लेकिन वो बीच से फटा हुआ था, तो सर ये किए। उसके बाद हमने सिलेबस निकलवाया, क्योंकि जे फर्स्ट है, और उसमें जे फर्स्ट में ये है कि पूरे भागे, जैसे कि हमको यहाँ पे आर्ट कल्चर पढ़ना, पूरा ये पूरा आधुनिक कर पूरा रिकॉर्डिंग हमको पूरा करके हुआ दिया हुआ है, पूरा पाई चार्ट दिया पूरा इसके। तो जे फर्स्ट हो गया टॉपिक वाइज, जे सेकंड हो गया पूरा टॉपिक दिया हुआ है, जे फर्स्ट सेकंड पूरा हमको क्या क्या पढ़ना, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इसमें पूरा हमको दिया हुआ है। जे सेकंड, जे थर्ड, जे थर्ड दिया हुआ है। इसमें ये भी दिया हुआ है कि कितने इकोनॉमी में कितने क्वेश्चन आए थे, 2018, 19, 20 कितने क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन, 50, 50, फिर 18 में, फिर इधर कृषि में आए, सुरक्षा में आए, सब पूरा दिया हुआ है।
पूरा हमको विकास विकास में विकास टॉपिक से मुझे क्या क्या अपना विकास और समृद्धि ये सारे टॉपिक पढ़ना है हमको, रोजगार विकास और दृष्टिकोण ये सारे हमको डिकोड किया हुआ सब्जेक्ट हमको सिलेबस मिला हुआ है। यह इथिस का GS4 जो इसमें भी डिकोडिंग किया हुआ है, जैसे नैतिक विचारक ये हो गया, और जैसे कि इसमें सिविल सेवा मूल में सिविल सेवा वैल्यू ये सब हो गया, इसमें सब डिकोडिंग किया हुआ है, जैसे कि एक 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 पॉइंट में डिकोडिंग, जैसे आप देख सकते हैं डिकोडिंग किया हुआ है। मार्केट से आने के बाद मैंने करंट अफेयर्स का क्लास लिया। करंट अफेयर्स में उत्तराखंड का एक बहुत ही खास टॉपिक था, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड जारी किया गया है जो कि विवाह से रिलेटेड है, जैसे कि विवाह की आयु, जैसे कि पुरुष की आयु है वो 21 साल कर दिया गया और महिला की 18 वर्ष कर दिया गया है, और दूसरा दो विवाह पर प्रबंध कर दिया लगा दिया गया है, और तीसरा लिविंग रिलेशनशिप में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। वीडियो में